जब पैदा हुआ तो दिन रात अपने आंचल की नर्म छांव में छुपाए रखा, थोड़ा बड़ा हुआ तो राखी की डोर से वो प्यारा सा रिश्ता बनाए रखा। सात फेरों से सात जन्मों तक हर सुख दुख में साथ निभाने का वचन दिया। फिर मेरे आंगन में नन्ही परी के रूप में जैसे फरिश्ते ने जन्म लिया। तुम हो तो आज मैं हूँ, ये सारा जहान है, तुम्हारे सभी रूप महान हैं। नारी शक्ति को अगर
वुमेन के लिए अच्छा करेगा तो सोसाइटी का कितना इम्प्रूवमेंट होगा ये सोचे। एंड ये फीलिंग आना जरूरी है। एंड वुमेन गर्ल्स चाइल्ड बहुत अच्छा कर रहे हैं ऑल ओवर वर्ल्ड, तो क्यों हम लोग नहीं? ये ओनली एक फियर है, एक फियर डर, डिफरेंट टाइप का डर, सोसाइटी का डर। उस फियर में लड़कियां आगे नहीं बढ़ पाती। एंड उसमें नुकसान किसको होता है? घूम के हम लोगों को नुकसान होता है। 500 आदमी का प्रोडक्टिविटी जितना होगा, 1000 आदमी का प्रोडक्टिविटी उतना ही होगा? नहीं हो सकता। अगर 500 में 500 लड़का जैसे काम कर रहे हैं तो 500 लड़कियां अगर उसमें जुड़ जाए तो वहां का प्रोडक्टिविटी, सोसाइटी का पावर, सोसाइटी का ग्रोथ, सोसाइटी का प्रोस्पेरिटी। जब पैदा हुआ तो दिन रात अपने आंचल की नर्म छांव में छुपाए रखा, थोड़ा बड़ा हुआ तो राखी की डोर से वो प्यारा सा रिश्ता बनाए रखा। सात फेरों से सात जन्मों तक हर सुख दुख में साथ निभाने का वचन दिया। फिर मेरे आंगन में नन्ही परी के रूप में जैसे फरिश्ते ने जन्म लिया। तुम हो तो आज मैं हूँ, ये सारा जहान है, तुम्हारे सभी रूप महान हैं। नारी शक्ति को खबर 24 न्यूज़ का सलाम।